और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों फाइनली ऋषि अगेन वापसी करता है अपने घर पर। सबसे पहले तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और भी नया ट्विस्ट लेकर आती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि लक्ष्मी बोल देगी कि हाँ ऋषि, अगर कोई किसी को ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और फिलहाल आप लोग जानते हैं कि नीलम खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है कि तब तक ऋषि नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे और कुछ ना हम पिएंगे। आप लोग जानते ही हैं कि समय कहानी एक नहीं बल्कि समय कई और भी मोड़ आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो वाकई में बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मलिष्का की एक अपने ही खुद की एक प्लानिंग है, खुद की ही एक दुनिया है। वो चाहती है कि हर कीमत पर हर सूरत में जो कि लक्ष्मी के साथ में वो किया जाए कि जो किसी ने ना करा हो। लक्ष्मी को धक्के मारकर घर से निकालने का प्लान बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों शुक्र की बात एक और है कि यहाँ पर ऋषि ने भी बोल दिया है कि अगर लक्ष्मी के साथ में किसी ने भी किसी भी तरीका की बदतमीजी या कुछ करने का कोशिश की तो मैं उसका क्या हाल करूँगा, वो लोग खुद भी नहीं समझ सकते। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मलिष्का का मानना साफ साफ है कि इस बार ऋषि आ जाए तो मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन दोस्तों ऋषि खुद इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि वो वाकई में मलिष्का के करीब भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि मैं लक्ष्मी के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी शादी पहले लक्ष्मी से हुई है और लक्ष्मी को मैंने अपना माना है, ना कि मैं किसी और को मानूंगा। जी हाँ दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सपोर्ट किया।